नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो संस्कृत की हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना है, उसका हम जो एकादश पाठ है महाराणा प्रताप, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप। देखिए दोस्तों, एकादश पाठ जो है हमारा महाराणा प्रताप है। इसमें हम देखते हैं कि यम एकांकी, यह जो एकांकी है वो डॉक्टर नारायण शास्त्री के द्वारा क्या है, विरचित है। यानी कि ये एकांकी हमारी किसकी है, डॉक्टर नारायण शास्त्री के द्वारा विरचित है। अश्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे, अश्य इन महोदय का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर नगर में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, इसमें अनेन संस्कृत भाषाया अनेका एकाकय लिखिता, और इन्होंने अनेक संस्कृत भाषा में जो है वो अनेक एकांकियों को लिखा है। ठीक है ना दोस्तों, तासाम संकलम एकांकी संस्कृत नव रत्न सुषमा नाम के अनेनेव विरचिते ग्रंथे अस्ति, और इन्होंने एकांकी जो है उसका संकलन जो है वो नवरत्न सुषमा नामक की जो एक एकांकी है उसको भी मतलब उस ग्रंथ को भी इन्होंने लिखा है। ठीक है ना, अकबरेण सह युद्धम कुर्वन धाना भावे सैन्य शक्ति भावे खिन्नः महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुम समु धतः भवति। यानी कि इसमें अकबर के साथ में युद्ध कर रहे थे कौन, महाराणा प्रताप, और धन भाव से, धन का क्या था, अभाव था, और सैन्य शक्ति के भाव से, खिन्न भाव से महाराणा प्रताप ने अपना देश का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशः आगत्य सुकियां विपुला धनराशि देशस्य स्वतंत्रताये प्रतापाय समर्पति, और उसी समय उसी अवसर पर मेवाड़ के महामंत्री जो थे भामाशः, वो क्या करते हैं, वहां पर आ जाते हैं और अपने देश के स्वतंत्रता के लिए धन राशि को महाराणा प्रताप को जो है वो समर्पित करते हैं। ठीक है, यत्र अस्मिन् एकांक रूपके महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रताये दृढ़े इच्छा शक्ति स्वाभिमानम भामाशः साहस्य उदारता देश रक्षाये स्वसंपत्ति समर्पणम च इत्यमादय विशिष्टा गुणा वर्णिता सन्ति। यानी कि इस एकांकी में महाराणा प्रताप के कर्तव्य बुद्धि स्वराष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए, स्वाभिमान के लिए भामाशः जो है वो उदारता से देश की रक्षा के लिए अपनी जो संपत्ति है उसको जो है वो महाराणा प्रताप को विशिष्ट गुणा देने के लिए, जो महाराणा प्रताप ने है उनके जो है वो विशिष्ट गुणों का इसमें वर्णन किया है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यह एकांकी नारायण शास्त्री द्वारा रचित है। उसके बाद में इनका जन्म जो है वो जयपुर नगर में हुआ था, और इनकी नवरत्न सुषमा नाम की जो एकांकी है वो भी विरचित है। उसके बाद में अकबर से जब युद्ध हो रहा था तो धन के अभाव में महाराणा प्रताप जो है वो अपने जो देश को छोड़ करके और जंगल में जब चले गए थे, तभी जो है उनका जो मंत्री था भामाशः, उसने
अपनी जो संपत्ति थी उसको मतलब बेच करके और धन राशि महाराणा प्रताप को ला करके प्रदान की थी। उसके बाद में जो है इसमें अब उनका जो भामाशाह जो मंत्री था उसकी दृढ़ शक्ति स्वाभिमान और उदारता और देश रक्षा के लिए धन राशि जो अपनी संपत्ति से धन राशि प्रदान करने के लिए उनका जो है वो विशिष्ट गुणों का इस पाठ में हमारे वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। देखिए यहां पर स्वदेशम कथम रक्षेयम, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि अपने जो देश की जो रक्षा के लिए इसमें कथा बताई गई है, यानी कि जो स्वयं का जो देश है उसकी रक्षा करने की कथा को इसमें बताया गया है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें देखिए महाराणा मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसहचरेण स एकस्यां शिलायां उपविष्ट वर्तते उपविष्टः वर्तते, यानी कि महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के जो अधिपति हैं, मेवाड़ के जो राजा महाराणा प्रताप हैं, वो अपने स्वसहचरे चरेण स एकस्य, यानी कि अपने विवेक से और अपने चरित्र से कुछ दूर जा करके जंगल में जा करके एक शिला पर क्या करते हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अशो प्राणे अपि स्वदेशम रक्षुतम इच्छति, और अशो प्राण अपि स्वदेश और उनके जो प्राण है वो अपने देश की रक्षा के लिए जो है वो इच्छा जो है वो अपने मन में कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में साधना भावात किमति कर्तुम असमर्थः स मनसी किंचित विचारयन्यस्ति। ठीक है ना, उसके बाद में उनके मन में जो साधु जो भाव आया उससे कुछ भी करने में जो है वो असमर्थ थे और उनके मन में अनेक प्रकार के जो है वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं प्रतापः। प्रताप क्या कहते हैं कि अरे धिक मां यदि अहम मातृभूमि में रक्षितुं न शक्नोमि किम अत्र वासेन मे प्रयोजनम्। ठीक है, तो प्रताप कह रहे हैं कि अरे मेरे को धिक्कार है कि मैं यदि अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो किम अत्र वासेन मे प्रयोजनम्, यानी कि तो मेरा यहाँ पर रहने का मेरा यहाँ निवास करने का प्रयोजन कुछ भी नहीं है, प्रयोजन क्या है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में दीर्घ निश्वत, तो दीर्घ से वैसा काय से जो मन में वो विचार कर रहे हैं। ठीक है ना, ततः प्रवेशति कश्चन राजपुत्रः सर्वदारः, उसी समय एक जो राजपुत्र है वो सर्वदार जो है वो वहां पर प्रवेश करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सर्वदार सर्वदार क्या कह रहे हैं कि राजोचितं प्रणम्य विजयताम विजयताम महाराज, तो महाराज वो कह रहा है कि महाराज राजों का प्रण है कि आप विजय रहो महाराज, आप हमेशा आपके हमेशा जय हो, आप हमेशा क्या हो विजय हो। प्रताप क्या कह रहा है कि दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्नमय च हाधिकः विजय ध्वनि कृत्वा किम त्वं अपि किम एव मा लज्जयसे भ्रातः। तो महाराज जो है वो दीर्घ में और निश्वस्य मुखम कि अपने मुख को जो है वो मतलब परेशान सा जो मुख लेकर के और हाथ देकर और वो कह रहे हैं कि
विजय ध्वनि कृत्वा तुम अपनी किम एव मां लज्जा सते, यानी कि तुमको विजय ध्वनि के बारे में कह करके तुम्हें लज्जा भी नहीं आ रही है बिल्कुल भ्राता। तो महाराज कह रहे हैं कि महाराज बहुत ही परेशान होकर के कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कह करके तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है भ्रात यानी भाई, ठीक है ना। उसके बाद सर्वधार क्या कहता है, प्राण धार किम इदम भवान बदती। तो वो कहता है कि प्राणधार क्या यह आप बोल रहे हो, ठीक है। स्वधमार्य भवता सर्व किम अपि कृतम स्वाधीनताये सर्व किम अपि शोणम भवत सदा विजय एव भवती भविष्यति। तो वो कहता है कि अपने धर्म के लिए सर्व किम अपि आपने जो है अपने धर्म के लिए सभी कार्यों को किया है और स्वाधीनता के लिए भी सर्व किम और स्वाधीनता के वो भी अब आपने जो है वो सभी जगह जो है वो व्याप्त किया है। भवतः सदा विजय एव भविष्यति, और भगवान की महाराज आप सदा विजय हो एव सदा ही विजय रहोगे, ठीक है। इसके बाद में प्रताप क्या कह रहे हैं कि प्रताप क्या कह रहे हैं कि कीदृशः कीदृशतावद् वदः विजये स्वदेशं परित्यक्तुं तु समुद्धतः अस्मि, यानी कि क्या विजय प्राप्त करता तो स्वद अपने देश का परित्याग करके यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी आता। तो महाराणा प्रताप जो है वो कह रहे हैं कि विजय प्राप्त करता तो अपने देश का परित्याग करके यहाँ पर नहीं आता, ठीक है ना। द्वितीय सर्वतार क्या कह रहा है, उत्थाय साज्जलि, नहीं नहीं महाराज, जब महाराज ऐसा कह करके जाकर के उठ जाते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामि। वो कह रहा है कि महाराज जहां जहां पर आप जाओगे वहां वहां पर आपके साथ हम सब लोग भी आपके साथ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रताप क्या कह रहा है कि एव न वाच्यम, और प्रताप कह रहा है ऐसा मत बोलो, भवतः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवाहम कुर्वन्तु। तो प्रताप कह रहा है कि आप ऐसा मत कहिए, आप सब लोग जो हैं वो यहीं स्थित यहीं पर रही है और अपनी मातृभूमि की जो सेवा है उसको कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए तृतीय सर्वदार आ जाता है वहां पर, तृतीय सर्वदार क्या कहता है, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा सेवा भवता सह संति। तो वो कह रहा नहीं भगवान, हम क्या है जो आपकी सेवा के लिए ही आपके साथ चलेंगे या आपकी सेवा के लिए ही हम हैं। वयम तु भवता सह एव निवत्यामः, तो और हम जो है वो आपके साथ ही, आप जहां भी जाओगे वहां भी आपके साथ ही निवास करेंगे। प्रताप क्या कहते हैं, यत रोचते भव भद्यः कुर्वन्तु न अहम् भवतः वसान करोमि। तो कह रहे हैं कि आप जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो का जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, मैं आपको नहीं किसी भी कार्य को करने के लिए विवश नहीं करूंगा, ऐसा प्रताप कह महाराणा प्रताप जो है वो कह रहे हैं। प्रताप फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा ततः उत्थाय भिल्लानाम आवासस्य मध्यतः
निसरंती, यानी कि जो है महाराणा प्रताप जो है वो अपने सभी सेवकों के साथ, अपने सभी मंत्री महामंत्री और जो भी सेनागण थे उनके साथ में भीलो के गांव के बीच में, भील जहां निवास करते हैं उनके बीच में से निकलते चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है वो अपनी देश की रक्षा करने में असमर्थ है, तो वो अपना देश को छोड़ करके और जंगल में जा करके और क्या बोलते हैं उसको अपने मतलब जो है अपनी हार को मान करके और वो जंगल में जा करके निवास करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की ओर हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रथम भील, तो वहां पर क्या है, जब भीलों की जो है वो निवास जहां करते हैं उसमें से जाते हैं तो वहां पर प्रथम भील, पहला भील जो है वो आ जाता है। तो हा भगवन, हा भगवन, अध के दस समय आगत प्रताप अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति। तो वो कह रहा है, पहला जो भील आया है वो कह रहा है कि हा भगवान, हे भगवान, आप ऐसा आज कैसा कैसा समय आ गया है कि प्रताप जो महाराणा प्रताप जो है वो अपने देश को त्याग करके और अपने देश का परित्याग करके अन्य जो देश में वो प्रस्थित अस्ति और अन्य अन्य जगह स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि वो पहला वीर आकर के क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप के लिए कैसा समय आ गया है महाराज आज, जो अपने देश को त्याग करके और दूसरे जगह आप जो है वो निवास कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीय भील, फिर वहां पर क्या करता है, दूसरा जो भील है वो भी आ जाता है। वो क्या कहता है, न जाने अश्वमेवाश्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति। तो वो कह रहा है कि न जाने अश्य मेवाड़ देश का भाग्य जो है वो क्या लिखा है, न जाने मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो, हे दीन दयालो, यानी कि हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद इयान निष्ठुरः कथम जातः। और हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, तुम जो है वो अभी जो है ऐसे निष्ठुर कथा को मतलब जानते हो, ऐसा जो है वो दूसरा भील जो है वो कह रहा है। ठीक है, तृतीय भील क्या कहता है, हा धिका, धिक्कार है, बराकश्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विदते मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषाम कथम दृश्यामः रोदति। ठीक है ना, तो ऐसा जो है वो तीसरा वीर जो आकर के कह रहा है कि महाराज ना ही तो हमारे पास जीवन की सामग्री है, ना ही युद्ध की सामग्री है और ना ही मातृभूमि, और इस मातृभूमि की दुर्दशा को हम अपने चक्षु से इस कथा को क्या करेंगे, देखेंगे। और ऐसा कह करके वो सभी क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। भीलानां प्रलापं श्रुत्वा, और भीलों का जो है वो रोने की आवाज सुन करके, प्रलाप को सुन करके वहां पर एक सहचर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में हा धिकः इति भीर्या सत्यम एव वदति। तो वो कह रहा है धिक्कार है, हा वो ऐसा कह रहा है, इति ये सभी भीर जो है वो सत्य बोल रहे हैं। एक सहचर आकर के क्या कहता है कि ये सब जो भील है वो क्या कह रहे हैं, वो सत्य को बोल रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभने, और यह जो समय है वो हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए च न शोभने और शोभन नहीं है, यानी कि हमारे देश के लिए और हमारे धर्म के लिए शुभ नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, परम की किम परम किम क्रियतः
पर क्या कर सकते हैं या क्या करे, ठीक है, असीम निस्वार्थ प्रतापाय ददत प्रभु, यानी कि जो निस्वार्थ जो प्रताप है, निस्सहाय जो प्रताप है, उनको क्या करो, उनको बलि ददातु मम भवान अनेन न आत्मचक्षुषाम मेवाड़ भूमि दुर्दशा दृष्टुम शक्यते, यानी कि उनको जो है वो बलि दो और मम भवान अने और भवान मेरे जो अनेक जो आत्म जो चक्षु है जो मेवाड़ भूमि की दुर्दशा को दुष्ट में देख रहे हैं। तो द्वितीय चराचर क्या कहता है कि द्वितीय चराचर क्या कह रहा है, सत्यम एव संप्राप्तम जीवनम नरकायते, द्वितीय चराचर कह रहा है कि सत्य कह रहे हो कि ये जो प्राप्त जो जीवन है वो नरक के समान है, क्यों, क्योंकि अपनी जो मातृभूमि है अपना जो देश है उसकी रक्षा को वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने मित्रों से देख रहे हैं उसकी दुर्दशा को, इसलिए द्वितीय जो चराचर है वो ऐसा कह रहा है कि सत्यम एव संप्राप्तम जीवनम नरक, और जो हम वो ऐसा कह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो नरक के समान है, जैसे हमारा जीवन नरक को प्राप्त हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भिल्ला, भिल्ला क्या कहते हैं, हा अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ, यानी कि वो कह रहा है कि हमारे जो जीवन के लिए कोई भी लाभ नहीं है यदि वयम देश रक्षाए की न किम अपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, ठीक है ना। तो जो भील जो है वो क्या कह रहे, यदि वयम देश रक्षाए और हमने यदि देश रक्षा को नहीं किया, अपि कर्तुम और करने में समर्थ है तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, और हम मर करके भी अस्माकम जो हमारे देश का जो है वो श्रेय जो है वो ऊपर करेंगे, ठीक है ना। इनकी भीड़ जो है वो अपने जीवन को जो है वो सही नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे हम मर जाएं लेकिन हम अपनी देश की रक्षा को करेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रताप क्या कह रहे हैं, देखिए प्रताप कह रहे हैं, हाधिक भवत सर्वे इदम किं कुर्वन्ति, कह रहे अरे ये सब आप जो है वो सभी क्या कर रहे हो, ठीक है ना। आत्महननम महत पापम वर्तते, और आत्महत्या जो है उसका महान पाप लगता है, ठीक है ना। स्थियताम रुको स्थित रहो, ठीक है ना, ऐसा प्रताप कह रहा है, ठीक है ना। कष्टानि सुद्ध्वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, और कष्ट के साथ साथ अगर वीरगति से मरने पर वो जो है उसको कल्याणकारी जो है वो कथा को कहते हैं। यदि कोई आत्महत्या करता है तो उसको बहुत ही पाप मिलता है, लेकिन अपनी देश की रक्षा के करते करते अगर कोई भी वीर गति को प्राप्त होता है तो वो बहुत ही कल्याणकारी उसको कहते हैं। इत्थम आत्महननम तु नपुंसकानां कर्मः किंचन धैर्य विचारतु, और मतलब आत्महनन आत्महत्या का विचार तो नपुंसकलिंग जो है वो करते हैं, नपुंसकलिंगों का कर्म है, तुम किंचित धैर्य विचारयन्तु, और ऐसा कभी भी अपने धैर्य में विचार नहीं लाओ। पृष्ठतः ध्वनि भवति, और पीछे से जो है वो ध्वनि आवाज सुनाई देती है, ठीक है ना। स्थियताम प्रभु,
पीछे से क्या आवाज आ रही है, प्रभु रुको रुको, स्थितो स्थितो, स्थित्याम स्थितम, ठीक है ना। उसके बाद प्रताप जो है वो परिचितः ध्वन्य प्रताप, क्या कह रहे हैं महाराणा प्रताप जो है वो कह रहे हैं कि परिचितः ध्वन्यमेव आकण्य सोत्साहम अरे सर्वदारः वृक्षम आरुह्या दृश्यताम तु तावद कह अयम शब्दायते। यानी कि वो कह रहे हैं कि परिचित की जो ध्वनि है वो पीछे से आ रही है, इसलिए तुम जो है अरे सर्वदार शरबदार को कह रहे हैं कि तुम वृक्ष पर ऊपर आरूढ़ यानी ऊपर चढ़ करके पीछे की ओर देखो कि कौन यह शब्द बोल रहा है, इस शब्द कहाँ से आ रहे हैं या पीछे से आवाज किसकी आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए शरबदार क्या कह रहा है, शरबदार कह रहा है तथा निर्गुणम निरीक्षणमाण महाराज मेवाड़ मंत्री भामासह इव कश्चिन आगच्छत आगच्छन प्रतीयते। यानी कि शरबदार कह रहा है कि महाराज मेवाड़ के जो मंत्री हैं भामासा, वो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पीछे से आ रही है, ठीक है ना। यानी कि महाराज मेवाड़ के जो मंत्री हैं भामासा, वो ऐसा लग रहा है कि पीछे से आते हुए हमें प्रतीत हो रही है। प्रताप, फिर प्रताप क्या कह रहे हैं कि फूक किम उक्तम, फूक किम उक्तम, अच्छा ऐसा है भामासः तस्य कथम इदं ज्ञातम अभूत, तो भामासः को हमारे लिए ऐसा कैसे ज्ञात हो गया, ठीक है ना। अस्तु तावत् प्रतीक्षा महेतम, और ऐसा जब उन्होंने महाराणा प्रताप ने सुना कि मेवाड़ के जो महामंत्री भामासा है वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको उसके उनके बारे में ज्ञात हो गया है, तो वो उनकी प्रतीक्षा महाराणा प्रताप जो है वो अपने मंत्री भामासा की जो है वो प्रतीक्षा करते हैं। भामासा धन राशि ग्रंथिम आदाय आयाति, और भामासा जो है वो धन राशि को लेकर के और आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए भामासा, भामासा क्या कह रहे हैं कि भामासा कह रहे हैं कि प्रताप प्रणम्य अन्य दातः सेवकम सत्यजुम कुत प्रति प्रतिष्ठते श्रीमता, और भामासा आकर के प्रणाम अन्नदाता, प्रणाम अन्नदाता ऐसा प्रणाम करके और सेवकों को सतत्यक प्रतिष्ठते और सभी सेवकों से नमस्कार करते हैं, सभी के लिए श्रीमता श्रीमत को जो है वो नवाते हैं और महाराणा प्रताप को भी नमस्कार कर लेते हैं, ठीक है। प्रताप क्या कहते हैं, दीर्घ निश्वस्य निश्वस्य तो न कत अपि बंधु गंतु शक्यम अपि तु न पार्श्वे धनम नेव न च सेना एव अहम स्वदेशम कथम रक्षयम, तो वो कह रहे हैं कि ना ही तो मेरे पास बंधु है, ना ही गंतु शक्यम, ना ही धन है, ना ही मेरे पास सेना है, और मैं अपने जो है वो देश की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, अहम देशम कथम रक्षयम अस्माद एव मन दौलायतम अस्ति, तो महाराणा प्रताप के बहुत दुखी होकर के महाराणा प्रताप जो है वो कह रहे हैं कि ना ही तो मेरे पास धन है, ना ही मेरे पास मतलब अस्त्र शस्त्र है, ना ही मेरे पास बंधु बांधव है, इसलिए मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं, ऐसा असमान मम दौलायतम अस्ति, और मेरा जो मन है वो बहुत ही परेशान हो रहा है, बहुत ही विचलित हो रहा है। भामासा कह रहे हैं महाराज यदा इमान
समाचारान अश्रुणवन तदा हृदय मे भगनम इव अभवत धन ग्रंथि निद्रश्य यम प्रह संपत्ति कस्मे प्रजोनाय यदि ईदृश्य इव अवसरे न इयम उपजत। तो वो कह रहा है भामासा के महाराज, यहाँ पर समाचार लेने के लिए मैं ऐसा सुन करके यहाँ पर आया हूँ तथा मेरे हृदय में जो विचार आए हैं उन्हें धन जो ग्रंथ, धन का जो आपके पास निर्देशन है, धन नहीं है उस उसके लिए यम पुनः, यानी कि हमारी जो संपत्ति है वो किस काम आएगी यदि ईदृश्य अवसर न यम उप, और अगर इस अवसर पर मेरी जो संपत्ति है वो नहीं काम आई तो महाराज हमारी संपत्ति कब उपयोग में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रताप क्या कह रहे हैं कि भगवान सत्यम वदति। तो प्रताप कह रहे हैं भगवान यानी कि हे मंत्री तुम सत्य को बोल रहे हो। भामासा यदि एव ग्रह ग्रहिताम भवदिया संपत्ति श्रीमता एव नित्रोट्ययताम पारतंत्र शंकरा इभि, यानी कि यदि हमारी जो ग्रहण करी हुई जो संपत्ति है उसको अपने मस्तक पर सीमता और त्रुटयाम परत और परतंत्र पर प्रजा के लिए हम कभी भी प्रदान नहीं करेंगे, पर मतलब स्त्री के लिए पर मतलब जो है प्रजा का जो पालन करने वाला है उसके लिए हम हमारी संपत्ति को कभी भी प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं लोहमय बाहुभी स्वतंत्र क्रियताम सहदेश सुरक्षताम धर्मः धनस्य ग्रंथिका चरणयो अर्पणयति सप्रणाम। तो वो कह रहे हे लोहमय बाहुबली महाराज प्रताप के लिए कह रहे हैं मंत्री स्वतंत्र हमारे देश को स्वतंत्र कीजिए और अपने अपने धर्म की जो रक्षा है अपना धर्म है उसकी रक्षा को कीजिए, धनस्य और धन की जो गट्टे ग्रंथ का मेर की जो गट्टर जो लाया था जो मंत्री वो महाराणा प्रताप के चरणों में प्रदान कर देते हैं, सप्रणाम की महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पण संपत्ति को कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में प्रताप क्या कहते हैं सब सश्चर्यम किम इदम भवान करोति। आश्चर्य से प्रताप देखते हैं, वो कहते हैं कि क्या भवान क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, भवदियाम संपत्ति कथम मदियाम किम एतेन न अपमानः। तो कह रहा है प्रताप कह रहे हैं कि जो संपत्ति है उसको मेरे को मत दो, किम ऐसा क्या ऐसा करने से मेरा क्या है जो अपमान है, न अहम दत्ताम संपत्ति पुनः राददामी और न मैं दी हुई संपत्ति को जो है वो पुनः वापस नहीं लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या कह रहे हैं भामासा, भामासा सविनय से कह रहे हैं कि भामासा सविनय से क्या कह रहे हैं कि महाराज न अहम अपमानम करूंगी। तो वो कह रहे हैं कि महाराज हम जो है वो आपका अपमान करने के लिए संपत्ति को नहीं लाया हूं, का तुच्छ सेवते शक्ति याम अशु तथा दुसाहसम कुरुयात, यानी कि जो ये तुच्छ सेवक की जो शक्ति है उस तुच्छ सेवक में ऐसी शक्ति नहीं है जो ऐसा दुस्साहस का प्रयास कर सके या ऐसा दुस्साहस कर सके जिससे आपका जो है वो अपमान हो, ठीक है। गृहीताम महाराज, तो भामाशाह कह रहा है महाराज इसको ग्रहण करिए, गृहताम देश धर्मयो रक्षा विधीयता और इसको ग्रहण करिए और देश के धर्म की देश की धर्म की रक्षा को करिए, ठीक है ना दोस्तों।
प्रताप क्या कह रहा है? सहर्षम आदाय धन्यः असि मंत्री वर्यः धन्यः त्वदीया जननी धन्यः। तो इसमें कह रहा है कि प्रताप जो है वो सहर्ष से जो है वो धन्य असी मंत्री, और सहर्ष से जो है वो अपने मंत्री को जो है वो धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। उसके बाद त्वदीयाम जननी धन्या, और तुम्हारी जो जननी है, तुम्हारी जो माता है, उनको भी क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। कथ्यताम तू अभिन्न हृदय, और ऐसा उनका हृदय कहता है। अश्याम कियति संपत्ति, और उस संपत्ति जो है, ऐसी जो संपत्ति है, उन सभी को जो महाराणा प्रताप जो है उसकी, उनकी माता को, उनके हृदय को और उनकी संपत्ति को बहुत ही धन्य बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में क्या कह रहे हैं भामा साहब? प्रसन्न मुख, वो भामाशाह का है जो प्रसन्न मुख से वहां पर खड़े हो जाते हैं। और महाराज इति एव स्व पतमा तद अनया द्वादश वर्षाणि यावत पंचविंशति सहस्त्र सैनिकः सहर्ष युद्धं शक्नुवन्ति। तो वो कह रहे महाराज, ऐसा जो है वो स्वल्प तमा जो है वो 12 बरस के बाद में पंच, और जो है पंच विशति सहस्त्र, पंच 25,000 जो है वो सैनिक जो है वो सहर्ष युद्ध में करने के लिए क्या है? तैयार है। ऐसा योग कब आया है? 12 वर्ष के बाद में ऐसा जो योग है वो आया है, जो 25,000 जो सैनिक है वो सहर्ष युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं हम। देखिए आगे क्या कह रहे हैं प्रताप। अहो तदा तू किम प्रकथनीयम्, तुम क्या कह रहे हो? अरे मंत्री, तुम क्या कह रहे हो? महत्व कार्य सिद्धयति अनया, सिद्धयति अनया सर्व संबोध्य अदः असमातः एव रक्षातः राणा स्वदेशस्य पारतंत्र श्रृंखला त्रोटयन्तु शत्रून संघारयतु धर्म रक्षेतु च युत्तस्यते युत्तस्यते अवश्यं युत्तस्यते भामासाहं अविरक्षहं धन्यो अस्मि मित्रः धन्य इव धन्य यही पागाढं अलिंगम तुम अभिलाषिम। यानी कि वो जो है के महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि तुमने जो है वो सभी के संबुद्धि का कार्य किया है, सब अच्छा कार्य जो तुमने किया है, जो रक्षात राणा और रक्षा के लिए राणा के स्वदेश के जो पारतंत्र की जो श्रृंखला है उसको तोड़ने के लिए, त्रोटयतु शत्रु के संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, मतलब तुमने बहुत ही आवश्यक जो है वो काम किया है। भामाशाह की अभिलक्षण करते हैं, भामाशाह को जो है वो महाराणा प्रताप बार बार धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। यही वागड़म, और महाराणा प्रताप जो है वो जो उनके मंत्री हैं भामाशाह, उनकी आलिंगन होने की, माने आलिंगन होने की अभिलाषा को करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देखिए भामाशाह क्या कह रहे हैं। भामाशाह प्रतापम संकोचनम उपसत्यः अनुग्रहीतः अस्मिन् स्वामिनः अनुग्रहीतः। तो प्रताप को संकोचित में देख करके कहते उपसत्यः अनुग्रहीतः स्वामिनः अनुग्रहीतः, यानी कि वो बार बार जो है अपने स्वामी को जो है वो संकोच में से निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप
ततः उभौ अपि प्रण्या परस्परम् आलिंगतः द्युमीलनम् मिलुक्य सर्वे सहचरा सहस्रदम्। और वह जब उस समय जो है वो वहां पर जो लोग थे उनको परस्पर आलिंगन से दोनों को मिलते हुए जो है वो देख रहे हैं, उनका जो है वो अवलोकन कर रहे हैं और सभी चराचर जो है वो वहां पर जो है वो सहर्ष से यानी कि बहुत ही हर्ष के साथ वो है बहुत ही मतलब हर्ष उत्साहित हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, धन्योस अस्ति राणा, धन्यो अस्ति राणा, धन्य राणा, पुनर अस्ति मंत्री, और मंत्री भी धन्य हो, और धन्यम दियो मेलनम अस्ति धन्यम। ठीक है ना, और दोनों का जो मेलन है वो भी धन्य हो, धन्या वयम इस्मः समयाश्यः धन्यः, और धन्य जो है वो हम जो है वो भी धन्य है, और धन्य समय भी धन्य है, और धन्य पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम, और ऐसा जो धन्य काम है जो पुनः पुनः जो है बार बार जो है वो हमें क्या हो दर्शित हो, हम बार बार उसको देखते हैं। स्वदेश विजयताम महाराणा विजयताम भामाशा विजयताम पटाक्षेप। वो कह रहे हैं अपना जो देश है स्वयं का जो देश है वो भी विजय हो, महाराणा प्रताप की भी जय हो, भामाशाह मंत्री की भी जय हो, ऐसा जो है वो आपस में वो जो उनके सहचराचर जो हैं जो साथ के जो सेवक गण हैं वो ऐसा इसमें कह रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके मंत्री का जो है वो आपस में जो है वार्तालाप हो रहा है, मंत्री महाराणा प्रताप से अपने राज्य को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको जो है वो प्रोत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि आप अपनी मातृभूमि को कीजिए, ऐसा का जो भामाशाह जो मंत्री है वो भी कह रहा है। फिर उसके बाद में जो वीर हैं वो भी महाराज को मतलब उत्साहित करते हैं, उनका जो मतलब जो कार्य है उसमें लिए, क्योंकि वो पराधीन परातंत्र से क्या है जो वो मतलब विपक्ष में है वो परातंत्र को मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते, इसलिए महाराणा प्रताप से कह रहे हैं कि आप अपनी देश की रक्षा के लिए मतलब हमारे साथ जो है मिलकर के युद्ध करिए और शत्रु का नाश करिए। तो इसके बाद में जो है मंत्री जो है वो अपनी संपत्ति को बेच करके और धन को जो है वो यहाँ पर मतलब महाराणा प्रताप को ला करके देता है। तब महाराणा प्रताप जो है वो कहते हैं कि आपने तो मेरे मतलब अपमान जैसा किया है। तब मंत्री उनको अपना जो है वो धन को जो है वो महाराणा प्रताप के चरणों में दे देता है। उसके बाद में जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आपस में मिल करके और दोनों देश की रक्षा के लिए वार्तालाप करते हैं। उसके बाद में इसको जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं वो सभी जो है वो महाराणा प्रताप और मंत्री के जो मिलन को जो है वो देख रहे हैं, और धन्य अस्मि राणा और धन्य पुनर अस्मि मंत्री और धन्य देव मेलन मस्ति धन्यम, धन्या वयम स्मह समयश्चा धन्यम, धन्य पुनर पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, यानी कि धन्य मंत्री हो, धन्य महाराणा प्रताप को भी धन्य हो, और इन दोनों के मिलने को भी धन्य हो, और यहाँ पर जो देखने वाले जो सभी लोग हैं उनके लिए भी बहुत धन्य हो, और समय जो है वो भी बहुत धन्य हो, और पुनः और पुनः दर्शनम अस्ति पुण्यम, और ऐसा हम पुण्य करें जिससे हमें बार बार देखने का अवसर प्राप्त होए, स्वदेशम विजयताम हमारे देश की विजय हो, महाराणा विजयताम महाराणा प्रताप की विजय हो, भामाशाह विजयताम और भामाशाह की विजय हो।
ठीक है ना। हमारा जो ये एकादश पाठ था उसमें महाराणा प्रताप के बारे में, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए इस पाठ को जो है मंत्रियों ने, सरपदारों ने, भिल्लों ने, इत्यादियों ने बहुत प्रयत्न किया और उसके बाद में महाराणा प्रताप को अपना राजा स्वीकार करके और उनके साथ वन में चले गए और अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने मतलब अपने देश की विजय के लिए, अपने राजा की विजय के लिए उन्होंने अपने आप को जो है वो महाराणा प्रताप के जो है वो चरणों में जो है वो सर्वस्व को प्रदान कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10 का एकादश पाठ जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों यदि हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।